देखो बच्चों, अभी तक एक प्रयास के 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं और उन्हीं का रिवीजन आज हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दीजिए इसका उत्तर। जिसको आप हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आलू का खाने वाला भाग क्या कहलाता है? एक बच्चा बोलेगा, देश का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत सोनी रानीखेत में स्थित है। सही है, जरा जोर से बोलिएगा, जोर से बोलना है आपको। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जो तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। काली एवं गौरी नदी के संगम पर स्थित जौल जीवी मेला प्रतिवर्ष कब लगता है? 14 नवंबर से 19 नवंबर तक। बिल्कुल सही, 14 नवंबर से 19 नवंबर तक लगता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? जयसिंहासन। ठीक है, भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। किस लेख में महात्मा गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? यंग इंडिया के अपने एक लेख में महात्मा गांधी जी ने भारत उत्तराखंड के कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। जरा जोर से बोलिएगा, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ बाढ़ त्रासदी कब हुई? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित केदारनाथ बाढ़ त्रासदी 16 जून 2013 को हुई। बिल्कुल सही है, शाकाहारी शब्द का क्या अर्थ है? वे जंतु जो केवल पौधे या पौधे के उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी शब्द कहते हैं, जैसे बकरी गाय भैंस। बिल्कुल सही है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023 को मनाया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोरस इम्पेजेनस। हाँ, लोफोफोरस इम्पेजेनस। अगला प्रश्न है, आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाली ओलंपिक खेल के ध्वज पर 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? शुक्र ग्रह। अगला देखिएगा, सोशल मीडिया ऐप फेसबुक की स्थापना किसने की? मार्क जुकरबर्ग। बिल्कुल सही, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की। हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी।